अपना जो मन कहे उसको तो करें, और जो गुरु शास्त्र या अपनी बुद्धि जो कहे उसको न करें। अपने मन की पराधीन से ही असल में पराधीन, क्योंकि दूसरे की बात तो हम लोग मान करेंगे, मानते तो अपने मन की है, तो मन ही पराया है और जो उसके अधिक अपनी पसंद अपनी पसंद अपने पसंद जो करता है वो पराधीन। मन तो मानता है ना कि जो मन के अधीन होते काम करेगा तो मन को दरवाजे दरवाजे तक बचाता है, उनसे सुख मिले उनसे सुख मिले। तो सबसे बड़ा दीन तो वही है जो मनोमुक्ति। एक महात्मा ने हमको बताया था कि यदि भगवान का दर्शन हो और कहेंगे तुम ध्यान कर लो तो उनकी बात नहीं मानते, और तुम्हें चोरी कर लो पैसा इकट्ठा कर लो तो नहीं कर लो। अपने वैराग्य अपनी आत्मा से विमुख करने वाली जो बात है वो भगवान की भी नहीं मानते। भगवान को क्या जरूरत पड़ी है किसी भी तरह की करने की, व्यास करवाने तो हमारे मन में प्रार्थना है तो तीन चीज है असम सनक गांधी स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण और धन का लोभ और अद्वितीय की प्रभाव। तो ये तीनों अज्ञान से ही होते हैं, क्योंकि जो अपने को पूर्ण नहीं समझता वो कीर्ति के द्वारा पूर्ण होना चाहता है, जो अपने को सब नहीं समझता है काम के द्वारा कर रहे हैं, और जो आत्म सुख का अनुभव नहीं करता है वो स्त्री पुरुष के सुख के द्वारा उसे होना चाहिए। तो वही जो साधुओं के लिए स्त्री देखा है उन्होंने वही धूप कर करके अपने रेखाएं हैं। और ये जो मन रहता है अब तक किसी ने जो काम नहीं किया है वो हम करके दिखा रहे हैं। जो राजाओं के सभाओं में काम का मीला देने वाले जैसे लोग हैं तो कामिनी चिंतन कनक कामिनी कीर्ति ये नाम बदल के रखा है। इसके शास्त्रों में तो वही विकल क्षमा पुत्र क्षमा द्रौपदी या धारी क्षमा कई पुत्र क्षमा या पुत्र क्षमा कार्य क्षमा द्रौपदी क्षमा तो वो संसारी लोगों में रहती है, पर यदि भगवान भी वही पूरी करने लगे हैं तो रखना चाहिए। अभिष्ठान वस्तु अर्था वय शक्ति समाज संघ इनके प्रभाव से मुक्त रहे अपना मन। ये तो
बड़े हैं ये व्यक्ति पुरुष का काम है। अब प्रसिद्ध विश्वामित्र तो तुम्हारे मन को प्रभावित करने के लिए आएंगे ना, तो अब तो कोई अंग्रेज मिलेगा, कोई जर्मन मिलेगा, कोई आध्यात्मिक भाव वाला व्यक्ति तो तुम्हारे मन को दरवाजा बनाने आएगा नहीं। लौकिक भाव वाला व्यक्ति आएगा, जो बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं उनको दुनिया में कोई नहीं जानता, यही उनका लक्ष्य है। तो उनको दुनिया में किसी ने जाना है, जिनको जाना उन्होंने कोई अपनी विशेषता दिखाई। बाबा एक कथा सुनाते हैं, एक दिन कर्णवास में दत्तात्रेय जी और शंकराचार्य की भेंट हुई। दोनों भिक्षा देने के लिए गांव में गए तो दत्तात्रेय जी को तो मिली दूसरी रोटी, तो मेला कुटेला की लंगोटी और बाल बिखरे हुए सभी कमी लगी है। लोगों ने समझा कोई कागज मंगता है, मिलती दूसरी रोटी दे दी। और शंकराचार्य से तो बहुत बढ़िया लड्डू पूरी की इच्छा है। तो दोनों जब गंगा किनारे करते हुए तो देखा, दत्तात्रेय जी ने कहा कि शंकर तुमने क्या चमत्कार दिखाया है लोगों को, इतनी बढ़िया दिखा दिया है, कुछ नहीं दिखाया। और ऐसा तुम कर क्या रहे? बोले का उस समय लोगों की रचना कर रहा था, तो लोग गुनगुनाता हुआ चलता और भिक्षा मांग रहा था। तो बोले सब लोगों ने सुन के सोचा होगा कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है, संस्कृत की रचना कर रहा है, ये तुम्हारे साधुता को भिक्षा नहीं मिली है, ये तुम्हारी पंडिताई को भिक्षा। हर बात में अपने को आगे करने का और दिखाने का, अपनी दीनता को दबाने के लिए जो मानसिक दीनता है, कोई न कोई उसमें कमी रहती है और वो मालूम नहीं पड़ती है, और उस कमी को पूरी करने के लिए वो दूसरी तरफ से भरने की कोशिश करते हैं। जैसे चरित्र अच्छा न हो तो ज्यादा चंदन लगाएंगे, ज्यादा माला पहनेंगे और ज्यादा कुछ कहेंगे, जिससे जैसे उसको कमियों को दूर करने का प्रयास अपने जीवन अंतकरण की सिद्धि है। वो चंदन लगाते माला पहनते या दिन काम करते तो वो पूरी नहीं होती है, कमियों को तो पूरी करना चाहिए। और तो जो अंतर में कमी है, कमी पर जो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है वो तो अपने बारे में नहीं सोचता, जो धन के बारे में है या लोगों के बारे में या रशिया अमेरिका के बारे में जो ज्यादा सोचे वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचे। मगर उसको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि इसमें हमारा क्या योग होगा, कि अमेरिका बड़ा बने है कि रूस बड़ा बने है, हम उसमें कौन सी मदद किसकी करेंगे,
हाँ ये कुछ नहीं है, पर घंटों उस पर वाद विवाद करने में अपना प्यार समझना व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ वार्ता, ये सब शांत व्यक्ति के जीवन में और जहाँ ही आया कि इसमें क्या हरकत है, बस फिर रास्ता छूट गया। ऐसा कर लेंगे तो क्या हरकत, सब लोग तो करते हैं, सब तो करते ही हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या हरकत। माने जैसे पेड़ पौधे में फल है वो समय से आते हैं, पशु पक्षियों का जो बाल बच्चा होने का समय है वो बिल्कुल बना रहता है, उनके जो घोंसले हैं और उनके रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल मुश्किल, और ये जो मनुष्य है जिसमें चेतना ज्यादा है ये कुछ न कुछ उत्पादन करता रहता है। उत्पादन करने की बुद्धि मनुष्य में भी है, इसका फल ये होता है कि बुद्धि से सोच करता है तो इसको पाप होने लगता है, और पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये तो प्रकृति के नियमानुसार करते हैं तो उनको पाप होने लगता है। अब पुष्पों की काम वासना प्राय आश्विन कार्तिक में ही जाती है, पर मनुष्य के लिए तो ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, पशुओं में मेरापन बिल्कुल नहीं होता, ये जैसे बच्चे होते हैं और गायों के बैलों के, तो वो कोई आठ महीने छह महीने के बाद एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। ये मेरापन का संबंध भी ज्यादा मनुष्य जीवन में, इसी से इसको मेरापन छुड़ाने के लिए या तो भगवान को मेरा समझना पड़ता है या तो विवेक करना पड़ता है। एक हमारे यहाँ रामानुज नाम का आदमी है, मेरे जब आया तब तो बहुत शुक्रिया है, ऐसे ही कटिबंध से पहने हुए हमारे सोलह हाथ में लिए हुए, और कई बार बड़ी ईमानदारी के साथ उसने उसको कोई चीज मिली, 800 रुपये मिले, 300 रुपये मिले, कहीं काले में देखते हुए नल पर छोटे हर चीज, तो वो लिखता था अपने मन में जो बात आती कर जाए। तो एक बार रामचंद्र जी ने देखा, क्या लिखता तो बहुत बढ़िया था, उन्होंने सारे को खरीद विपराण जैसा लिखता था, हमारी महापुरुष का खरीद था ये तो उसी का। अब वो महाराज ने जो सुना अपनी प्रशंसा सुनी, तो थोड़े दिनों के बाद हमारे यहाँ से बड़ी उत्तर गुरु मान से बोला कि मैं कथा हूँ सुंदर जी के पास जाकर जाऊँ, उनके पास गया तो उन्होंने तो बैठने नहीं दिया, उसको तुरंत लौट जाओ, बाद में उसका स्थानीय बिगड़ा यहीं के लोगों के साथ चोरी करने लगा, फिर यहाँ से चला गया, कहाँ कहाँ रहा, कई बार पुलिस ने उसको पकड़ा, धर्मानंद जी ने उसको कोशिश करके चलाया,